दोस्तों, अगर आपके पास मोबाइल है और अगर आप फोटो खींचने और फोटो लेने के शौकीन हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको फोटोग्राफी और कैमरे के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप अपने मोबाइल फोन के कैमरे के जरिए पता लगा सकते हैं कि रिमोट ठीक है या खराब। आपको करना क्या है कि किसी भी रिमोट को चेक करने के लिए पहले अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करें और उसके पास रिमोट के ऊपर जो लाइट होती है उस कैमरे के सामने ले आइए। अब रिमोट का कोई भी बटन दबाएं, यदि बटन दबाने पर यह लाइट जल रही है तो समझ जाओ कि आपका रिमोट बिल्कुल ठीक है ना मजेदार। तो चलिए अब आपको कैमरा और फोटोग्राफी के बारे में रोचक जानकारी बताते हैं। दोस्तों, आज हर 2 मिनट में इतने सारे फोटो खींचे जा रहे हैं जितने पिछले 1800 से 1900 के बीच 100 सालों में भी नहीं खींचे गए थे। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पुरानी तस्वीरों में कोई भी आदमी हंसता हुआ नजर नहीं आ रहा था? क्यों? क्योंकि उस समय कैमरे के सामने 8 घंटे बैठना पड़ता था। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया का सबसे पुराना फोटो कौन सा था? ये सब सुनकर जानने की एक इच्छा होती है कि ये फोटो कैसा दिखता है और किसने लिया था। तो ये जो फोटो है ये सबसे पुराना फोटो है और ये 1816 में फ्रांस के एक फोटोग्राफर नाइसफर्ड नाइस्प्स ने खींचा था। हालांकि इस तस्वीर में कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है और ये दुनिया की सबसे पुरानी फोटो है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये इस दुनिया का सबसे पुराना फोटो है जिसमें इंसान था। ये फोटो सन 1838 में पेरिस में खींचा गया था जिसमें एक आदमी अपने जूतों पर पॉलिश करवा रहा है। इसी के साथ ही दोस्तों, दुनिया का जो सबसे पहला डिजिटल कैमरा है वो 1975 में कोडक कंपनी ने बनाया था जिसका वजन 3 किलो 600 ग्राम था। इससे लगभग 0.1 मेगापिक्सल लेंस के साथ केवल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही खींची जा सकती थी और एक फोटो खींचने में 23 सेकंड का समय लगता था। सन 1976 में अमेरिका की कैमरा मार्केट के 90% भाग पर कोडक का ही कब्जा था। दुनिया का पहला DSLR कैमरा सन 1986 में कोडक ने कैनन के साथ मिलकर तैयार किया था। इसमें कोडक द्वारा बनाया हुआ 1.3 मेगापिक्सल का लेंस लगा हुआ था और कैनन द्वारा बनाए गए कैमरे F1 की बॉडी लगी हुई थी। दोस्तों, कैमरों का सबसे बड़ा संग्रह मुंबई के दिलीश पोरक के पास है। उन्होंने ये 1977 में इकट्ठे करे हुए शुरू किए थे और आज इनके पास तकरीबन 4425 कैमरे हैं और सबसे पुराना कैमरा सन 1907 का है। दोस्तों, अगर बात करें सबसे बड़े लेंस की तो अभी तक का सबसे बड़ा लेंस SLR लेंस है जो कि कॉर्ल जेसिस ने APO सोनर टी कैमरे के लिए बनाया था जिसका वजन 256 किलो और यह 67 इंच की दूरी पर भी फोकस कर सकता था। बात अगर कैमरे की आती है तो दिमाग में ख्याल आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा कब और किसने बनाया। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा सन 1899 में बनाया गया था। इसे मेमथ नाम दिया गया। यह 635 किलो वजनी था और इसे चलाने के लिए 15 आदमियों की जरूरत पड़ती थी। इसकी खींची गई फोटो इतनी बड़ी होती थी कि लोग इन्हें नकली मानते थे। दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हो ये 1994 में सूडान में पड़े अकाल की है। दोस्तों, ये फोटो दुनिया की सबसे दुखी तस्वीरों में से एक है। ये साउथ अफ्रीका के फोटोग्राफर केविन कार्टर द्वारा कैमरे में कैद की गई थी जिसमें एक बच्चा भूख से तड़प रहा है और एक पक्षी उसके मरने का इंतजार कर रहा है ताकि वह उसे खा सके। इसके लिए कैमरामैन को पुलित्जर प्राइज भी मिला था। इस फोटो को देखने के बाद केविन इतने दुखी हो गए कि 33 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, आपने मोबाइल से तो फोटो खींचे ही होंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि मोबाइल फोन के कैमरे से फोटो खींचते समय जो आवाज आती है उसे जापान में म्यूट करना अलाउ नहीं है और कुछ फोन में तो इसे म्यूट करने का ऑप्शन ही नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान में लड़कियां छोटी स्कर्ट बहुत ज्यादा पहनती है और यदि कोई उनका फोटो खींचे तो पता चल जाए। क्या आपको पता है कि जिस कैमरे ने चंद्रमा की सतह पर पहली बार फोटो खींची थी वह चंद्रमा पर ही रह गया था, वापस धरती पर नहीं आया। दरअसल 1969 में अपोलो 11 मिशन में 12 हैसलबैड कैमरे भी चांद पर ले जाए गए थे ताकि चांद पर चलने की तस्वीर ली जा सके। तस्वीर ले ली गई लेकिन आते वक्त परीक्षण के लिए 25 किलो का पत्थर लाना पड़ गया जिससे उन कैमरों को वहीं छोड़ना पड़ा था। दोस्तों, जब फोटोग्राफी की बात की जाती है तो दिमाग में ख्याल आता है कि सबसे बड़ा फोटो कैसा होगा। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर नेगेटिव चीन के बीजिंग शहर में स्टीफन पेस्टियोना डाइस द्वारा 3 अगस्त 2015 को कैप्चर की गई थी। यह फोटो 260 फीट और 4 इंच लंबी थी।
दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला फोटो है। यह विंडो एक्सपी का डिफॉल्ट वॉलपेपर भी है जिसका नाम ब्लिस है। यह कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी जगह पर अमेरिकी फोटोग्राफर चार्ल्स ओरियर द्वारा क्लिक की गई थी। ये उन्होंने सन 1996 में विंडोज एक्सपी लॉन्च होने से कुछ समय पहले ही खींची थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये फोटोशॉप से बनाई गई है लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में बहुत से लोगों ने वहां जाकर ऐसी ही फोटो लेने की कोशिश की लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों क्या आपने कभी एरोप्लेन में ट्रेवल किया है? अगर किया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आपको पता है कि हवाई जहाजों में कैमरे नहीं होते हैं? जी हाँ, क्योंकि हवाई जहाजों में केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग ही की जाती है। पायलट व सभी यात्रियों की जो प्राइवेसी है उसको सुरक्षित रखने के लिए, और दूसरी बात, ऐसा कौन चाहेगा कि उन पर पूरे समय के लिए कैमरा मंडराता रहे जिससे वे अच्छा फील ना करें। और यदि कैमरा लगा दिया जाए हो सकता है जो पैसेंजर्स है वो हवाई यात्राओं को बाइकआउट करने लग जाए, और हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स तो होता ही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।